हेलो दोस्तों, मैं सिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 98 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारी पानी वह होता है कौन होता है तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है उसे हम लोग भारी पानी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है D2O अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब अगला प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के गुट को और लकड़ी को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है तो ऐसा इसलिए होता है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जिस कारण से जब हम ठंड के दिनों में लोहे के गुट को और लकड़ी को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। अब अगला प्रश्न है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सी है तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन। कितनी? तो यह 78% अर्थात 78% हवा में मौजूद होता है। अब अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसे अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखेंगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन से हैं तो इसका उत्तर है एलीथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलीथ्रीन। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें तो इसका उत्तर है जिसमें प्रोटोनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न अर्थात अलग अलग होती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अतः इसका सही विकल्प ऑप्शन डी होगा अर्थात इनमें से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों तो इसका उत्तर है क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। किनमें? तो स्त्रियों में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, जिस कारण से वह स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है तो आशा करता हूँ आप सभी लोग जानते होंगे, एड्स। अब अगला प्रश्न है, बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होती है तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात वाट पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है तो इसका उत्तर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ
उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता? तो याद रखेंगे रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वह अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, ये तीनों किरण उत्सर्जित करते हैं। अब अगला प्रश्न है, जल की अस्थाई कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थाई कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। अगला प्रश्न है, हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5,00,000 भारतीय एक रोग से मरते हैं, तो वह रोग कौन सा है? पहचानिए, तो वह रोग है क्षय रोग। कौन सा? तो आप लोगों ने साधारणता सुना होगा टीबी रोग के बारे में, तो वह क्षय रोग ही है। अब अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता कहलाएंगे? तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। वहीं बकरी के बारे में पूछा जाएगा तो बकरी जो है प्रथम उपभोक्ता और हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। अब अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसके अंतर्गत? तो डॉल्फिन जो है वह वर्गीकृत अस्तनी के अंतर्गत अर्थात मैमल के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो है वह शोधन अभिकर्ता है। क्या है? शोधन अभिकर्ता। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वह जुरासिक युग का सर्वपुरातन अर्थात सबसे पुराना पक्षी है। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर है पुष्प अर्थात फूल। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका उत्तर है सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सीकोया। कौन सा? सीकोया। अगला प्रश्न है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2,00,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2,00,000 वर्ष पूर्व। अब अगला प्रश्न है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा है? अर्थात वैसा रक्तदाता जो सभी वर्ग के दाताओं को अपना रक्त दे सकता है वह कौन होगा? तो सबको देने वाला वो अर्थात ऊपर वाला वो से आपको याद रहेगा कि ओ ग्रुप जो है वह सबको देने वाला रक्तदाता है। अगला प्रश्न है, एस्प्रिन है, एस्प्रिन क्या है? तो एस्प्रिन जो है वह एंटी पायरेटिक है। क्या है? एंटी पायरेटिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? तो कौन से विटामिन? तो इसका उत्तर है विटामिन के। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती? तो इसका उत्तर है पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।